चंदन को वागो पहिरे, चंदन की खोर किए, चंदन के रुखतर ठाड़े पिए प्यारी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री वल्लभादीश की जय। आज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया को राजभोग में चंदन की चोली और कली के आभरण का मनोरथ है। आज राजभोग में आभरण बड़े करके श्री राज्य प्रभु को चंदन की चोली धराई जाती है और कली के आभरण धराए जाएंगे। उष्ण काल में सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में होता है तब शीतोपचारार्थ चंदन की गोली, चंदन की चोली, लपट जपट, खस खाना, जल विहार, शीतल जल से संध्या में स्नान आदि प्रशस्त या उत्तम माने गए हैं। आज श्रीनाथ जी प्रभु को चंदन की चोली धराई जाती है और इसके साथ चंदनिया रंग का पिछोड़ा और श्री मस्तक पर छज्जेदार पाग धराई जाती है। राजभोग दर्शन में आज श्रीनाथ जी में केसर और चंदन मिश्रित चंदनी रंग की मलमल की रुपहली जरी की तुई लेस की किनारी से सुसज्जित की गई पिछवई धराई जाती है। आज गादी, तकिया और चरण चौकी पर श्वेत बिछावट की जाती है। श्रीनाथ जी प्रभु को आज केसर मिश्रित चंदनिया रंग की मलमल की चोली एवं पिछोड़ा वस्त्र सेवा के तहत धराए जाते हैं। आज की श्रृंगार आभरण सेवा में प्रभु श्री वल्लभादीश को आज छोटा अर्थात कमर तक का हल्का उष्णकालीन श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण मोती के सुशोभित किए जाते हैं। ठाकुर जी के श्री मस्तक पर चंदनिया रंग की छज्जेदार पाग के ऊपर सिरपेच, तुर्रा एवं बाई ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में मोती के कर्णफूल की एक जोड़ी धराई जाती है। प्रभु श्री के श्रीकंठ में आज श्वेत पुष्पों की सुंदर थाग वाली दो सुंदर माला जी धराई जाती है। ठाकुर जी के श्री हस्त में आज तीन कमल की कमल छड़ी, गंगा जमनी के वेणु जी एवं एक पित्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट और गोटी उष्ण काल के आते हैं। राजभोग में आभरण बड़े करके चंदन की चोली और कली के आभरण धराए जाते हैं। आइए अब हम आज की राग सेवा, आज के कीर्तनों की चर्चा करते हैं। आज मंगला दर्शन में कीर्तन चंदन चर्चित नील कवर कलेवर का गायन होता है। राजभोग दर्शन में चंदन से संबंधित कीर्तन गाए जाते हैं। चंदन की खोरी किए पहला कीर्तन, दूसरा कीर्तन चंदन पहरत शाम बने, तीसरा कीर्तन लालन पहरत है नवचंदन का गायन प्रभु के सम्मुख होता है। आरती के दर्शन में पिछोरा खासा को कटी बांधे, शयन में मेरे ग्रह चंदन अति कोमल का गायन होता है। जबकि मान के कीर्तन में पायन चंदन लगाऊं और पोड़वे के कीर्तन में रंग महल पोड़े गोविंद का गायन प्रभु के सम्मुख किया जाता है। श्रीनाथ जी प्रभु की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य नियमानुसार संपादित किया जाता है, जैसे कि मंगला, राजभोग, आरती और शयन। इन चार दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है और नियमानुसार चार दर्शनों में अर्थात मंगला में, ग्वाल में, राजभोग में और शयन में विविध सामग्रियों का भोग प्रभु को अरोगाया जाता है। उष्णकाल विशेष में प्रभु सुखार्थ आज श्री जी के सम्मुख भोग के दर्शन में शीतल जल के चांदी के फव्वारे चलाए जाते हैं एवं राजभोग के बाद हर घंटे भीतर और संध्या आरती दर्शन पश्चात दोन तिवारी में शीतल जल का छिड़काव किया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नित्य दर्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन अवश्य दबाएं। पुनश्च आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।